हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। धेनु, सत्य जब सामने आता है तो हर किसी की जुबान पर ताला लग जाता है। सत्य का तेज इतना दाहक होता है कि हर किसी की आंखें चौंधिया जाती हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती सत्य के खिलाफ कुछ बोलने की। सत्य को स्वीकार करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। हर कोई सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता। जो अहंकारी है वो तो बिल्कुल भी नहीं। धेनु की बेटी, तुम्हें कोई सताए तो तुम्हारी मां अचानक उस पर हमला कर देती है ना? तो फिर इंसान क्यों नहीं करेगा? अरे भाई, पुजारी है तो क्या हुआ? क्या उसे क्रोध नहीं आ सकता? क्या बात है लक्ष्मण, रास्ता क्यों रोके खड़े हो? तुम्हारा स्वागत करने के लिए। लठेतों को साथ लेकर? अरे भाई, मैं तुम्हारा दोस्त हूं उमाकांत। जब धमकी दी थी तो दोस्ती कहां चली गई थी? जो बीत गया उसे भूल जाओ उमाकांत। तो क्या मैं सुकन्या के साथ शादी कर सकता हूं? उमाकांत, काकाजी आ गए तुम। काकाजी, क्या हुआ आप लोगों की यह हालत? सुकन्या कहाँ है बेटे? सुकन्या? हाँ, हमारी आखिरी उम्मीद तुम हो उमाकांत। मैं कुछ समझा नहीं काकी जी। मैं समझाता हूँ दोस्त। काका जी तो समझ रहे थे कि सुकन्या तुम्हारे साथ गई है। मेरे साथ? मेरे साथ कैसे हो सकती है? मैं तो अपनी नौकरी के लिए गांव-गांव घूम रहा था। हम तो समझ रहे थे कि सुकन्या तुम्हारे पास गई होगी। ओपी, क्या हुआ? उमाकांत भैया, दीदी ना घर में है ना गांव में। सुकन्या, सुकन्या, सुकन्या! मैंने भी तुम्हारी तरह सारे घर में सुकन्या को आवाजें दी, लेकिन सारा गांव ढूंढ मारा लेकिन कहीं नहीं मिली। वो हमें छोड़कर कहीं चली गई उमाकांत। पता नहीं वो जिंदा है या। काका जी, इस घर ने उसे कभी कोई खुशी नहीं दी। जिंदा थी लेकिन सुबह से शाम तक अपनी जिंदगी को कोसती रहती थी वो। अब आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है काका जी। शायद आपकी चिंता को उसने अपनी चिता के साथ जला दिया। नहीं वकात, नहीं, ऐसा मत बोलो। अब आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आएगी काका जी, क्योंकि अब उसकी शादी का सवाल ही नहीं रहा। अब आपको अपना ये घर, ये गांव छोड़ के जाने की भी जरूरत नहीं है काका जी, क्योंकि अब आप किसी विधवा की शादी नहीं कर रहे और आप इस दुनिया के पहले बाप होंगे और आप पहली मां जो अपनी बेटी का घर नहीं बसाना चाहते थे। बस करो उमाकांत, बस करो। ऐसा बाप जो अपनी बेटी के सुख में, उसकी आबादी में अपना दुख, अपनी बर्बादी देख रहे थे। नहीं उमाकांत, नहीं। शादी करके आशीर्वाद देकर माँ बाप उसके सुखी भविष्य की कामना करते हैं और उसे विदा कर देते हैं, लेकिन काका जी, काकी जी, आप लोगों ने तो सुकन्या की विदाई बिना शादी के, बिना आशीर्वाद के ही कर दी। अरे आप लोगों ने तो उसे दुआ भी नहीं दी होगी, दी होगी तो सिर्फ बद्दुआ ही दी होगी। नहीं उमाकांत, नहीं। वो बेचारी पता नहीं किस कुएं में, किसी नदी में डूब कर मर गई होगी। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी, वो ऐसा नहीं करेगी उमाकांत। भगवान मेरे सामने आएंगे तो मैं उनसे कहूंगा
कि आप जैसा बाप कभी भी किसी सुकन्या को मत दीजिएगा भगवान। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। माता पिता गुरु, इन्हें हम भगवान का स्थान देते हैं, इनकी पूजा करते हैं। अतिथि को भी हम देवता समझते हैं, इसलिए अतिथि के रूप में शत्रु भी आए तो हम उसका आदर सत्कार करते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है, हमारी अपनी तहजीब है। हम घर आए दुश्मन का भी अनादर नहीं करते, फिर घर आई अपनी बेटी की अवहेलना क्यों करते हैं? वो तो हमारी शत्रु नहीं है, फिर भी हम उसे अपनी शत्रु क्यों मानते हैं? सिर्फ इसलिए कि वो दुर्भाग्य से विधवा हो गई है। विधवा होने से या ससुराल द्वारा उसका त्याग करने से क्या उसका और हमारा रिश्ता बदल जाता है? रिश्ता तो वही है, वो हमारी बेटी ही है। हम ही ने उसे जन्म दिया, हम ही ने उसे प्यार ममता दी है, हम ही ने उसे बड़े नाज से पाला है और उसकी शादी भी कराई है हमने। उसके विधवा होने से क्या सत्य मिट जाता है? नहीं, तो फिर उसके प्रति हमारा व्यवहार क्यों बदल जाता है? क्यों? प्यार कोई नदी नहीं है जो सूख जाए। हमारा प्यार उसके प्रति सूख क्यों जाता है? क्यों? हम अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपना कर्तव्य क्यों भूल जाते हैं? पालक का धर्म है पालन करना, सुरक्षा देना, सुख देना। पालक जब अपने धर्म का पालन नहीं करता तो तब वो अपने घर में, अपने परिवार में अशांति ही अशांति फैलाता है, जो उसकी मना शांति का ही प्रतिबिंब होता है। हमारी संतान आखिरी सांस तक हमारी संतान है, फिर उसका मार्गदर्शन करना हमारा कर्तव्य है। उसे सहारा देना, उसे उचित रास्ते पर लाना, उसे प्यार देना हमारा कर्तव्य है। जब हम अपने कर्तव्य से चूकते हैं तब हम अशांत हो जाते हैं, लेकिन उस समय पछतावे के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सबका मालिक एक। जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। जय सिंहवाहिनी, जय असुरनाशिनी, सिंहवाहिनी असुरनाशिनी। कृपा करो मां, कृपा करो, मेरी बेटी सुकन्या, मैं उसे देखना चाहता हूं मां। मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूं, मैं अपनी बेटी का ब्याह करा देना चाहता हूं, उसका घर बसा देना चाहता हूं मां।
एक बार मिलवा दो मां। मां से खुशहाल देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं। एक बार उससे मिलवा दो, फिर आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं खुशी से स्वीकार कर लूंगा। पछुओ मुझे, मैं तुम्हें पत्नी बनाकर लाया था अपनी सुकन्या बेटी को मां की ममता देने के लिए, लेकिन तुमने कभी उसकी मां बनने की कोशिश भी नहीं की। ये सभी तो पराए हैं, तुम सौतेली ही सही, मां होकर भी सुकन्या बेटी के लिए पराई बन गई। तुम्हारी वजह से सुकन्या घर छोड़कर चली गई, पता नहीं कहां होगी वो, पता नहीं जिंदा होगी भी या नहीं। काका जी, सुकन्या अगर लौट के आई तो भी गांव वाले उसकी दूसरी शादी की अनुमति नहीं देंगे। मैं भी गांव की अनुमति मांगने नहीं आऊंगा। अपनी बेटी की शादी के लिए मुझे किसी की अनुमति, किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं। काका जी, आप गांव के विरुद्ध जाएंगे? मैं गांव वालों को अपने साथ आने की विनती करूंगा। गांव ने तो फैसला ले लिया है काका जी। फैसले बदले भी जा सकते हैं लक्ष्मण, आप गांव के खिलाफ। अरे क्या गांव गांव लगा रखा है तुमने? गांव क्या है, ये कैसे बना है? मेरी तरह कई लोगों ने यहां आकर घर बसाए हैं, इसीलिए ये गांव बन गया है। तुम्हारे पैदा होने से पहले मैं यहां आया हूं और तुम्हारी उम्र से ज्यादा मैं यहां रहा हूं। गांव गांव की बात करता है। अरे कौवे भी इतना गांव गांव नहीं करते। काका जी, अपने बुजुर्गों से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं किया करते। ये गांव हमने बनाया है, यहां का समाज हम जैसे लोगों की वजह से बना है। अगर कोई कायदा, कोई कानून किसी का घर बसाने की जगह उसका घर उजाड़ रहा है, तो हमें वो कायदा और कानून बदलना होगा। मैं मां सप्तशृंगी की शपथ लेकर कहता हूं, अगर मेरी बेटी सुकन्या जिंदा है और वो गांव लौटकर आती है तो मैं उसकी दूसरी शादी करा दूंगा। मेरे लिए मेरी बेटी का सुख महत्वपूर्ण है, गांव के चार लोगों का लिया गया फैसला नहीं। धेनु, सत्य जब सामने आता है तो हर किसी की जुबान पर ताला लग जाता है। सत्य का तेज इतना दाहक होता है कि हर किसी की आंखें चौंधिया जाती हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती सत्य के खिलाफ कुछ बोलने की। सत्य को स्वीकार करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। हर कोई सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता। जो अहंकारी है वो तो बिल्कुल भी नहीं। धेनु की बेटी, तुम्हें कोई सताए तो तुम्हारी मां अचानक उस पर हमला कर देती है ना? तो फिर इंसान क्यों नहीं करेगा? अरे भाई, पुजारी है तो क्या हुआ, क्या उसे क्रोध नहीं आ सकता? उमाकांत, काका जी, उमाकांत, सुकन्या का कुछ पता चला बेटा? हर तरफ ढूंढा काका जी, यहां तक कि मैं उसके ससुराल भी जाकर आया, लेकिन सुकन्या वहां भी नहीं मिली। ऐसा लग रहा है कि सुकन्या भी इस दुनिया में ही नहीं रही। नहीं,
ऐसा मत बोलो। अगर सुकन्या जिंदा होती तो हमें कहीं ना कहीं जरूर मिल जाती। वो चली गई काका जी। सुकन्या हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई काका जी। इंसान के दो रिश्तेदार हैं, एक सुख और दूसरा दुख। सुख से इंसान खुद रिश्तेदारी निभाना चाहता है और दुख स्वयं इंसान का रिश्तेदार बन जाता है। सुख और दुख क्या है? जिससे हमें खुशी मिलती है वो सुख है, और जिससे हमें पीड़ा होती है वो दुख है। हमारे संतों ने हमें चेतावनी दी है कि ये दिन भी बदल जाएंगे। इन पांच शब्दों में कितना महत्वपूर्ण अर्थ छिपा है। ये दिन भी बदल जाएंगे। इन पांच शब्दों ने सुखी मनुष्य को इशारा किया है कि सावधान हो जाओ, उस दयावान को हमेशा स्मरण करते रहो, उसकी पूजा करते रहो, क्योंकि आज तुम सुखी हो परंतु तुम्हारी जिंदगी के अगले मोड़ पर दुख तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दिन बदलते ही कब सुख दुख में बदल गया ये तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। सावधान, यही पांचों शब्द दुखी मनुष्य को सांत्वना देते हैं कि धीरज रखो, सबर करो, मालिक की भक्ति करो, ये दिन बदल जाएंगे, भविष्य में तुम सुखी हो जाओगे। जो सामान्य होते हैं वो दुख में दुखी और सुख में सुखी होते हैं, और जो असामान्य होते हैं वो दुख से विचलित नहीं होते बल्कि दुख में भी अपने आप को सुखी मानते हैं। जो सुख और दुख में एक जैसा रहता है, सुख दुख की भावनाओं से छूती तक नहीं, वो स्थित प्रज्ञ होते हैं। और जो इस भावनाओं से परे होते हैं वो निर्विकार मालिक के परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। सबका मालिक एक। अरे गोपी, सोए नहीं अब तक? आप भी तो नहीं सोए। नींद मेरी दुश्मन बन गई है गोपी। नींद क्या, सारा समाज, सारा गांव हमारा दुश्मन बन गया है उमाकांत भैया। ये गांव अच्छा नहीं है उमाकांत भैया। ये अपनी ही बहन, अपनी ही बेटी पर अन्याय करता है। वैसे तुम बांसुरी अच्छी बजा लेते हो उमाकांत भैया, लेकिन लेकिन क्या गोपी? तुम्हारी बांसुरी में बहुत दर्द है। जब जिंदगी के साथों सुर रुठ गए हो तो दर्द ही तो। नहीं उमाकांत भैया, रो मत। मैं बहुत कमजोर इंसान हूं गोपी, डरपोक हूं मैं।
तुम्हारी दीदी मुझे यह गांव छोड़कर जाने की विनती कर रही थी, तभी मुझे सुकन्या के साथ यह गांव छोड़ देना चाहिए था और मंदिर में शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ गोपी, जिसकी वजह से सुकन्या यह गांव छोड़कर चली गई। क्या मालूम कि वो ये दुनिया छोड़ के ही चली गई होगी। नहीं नहीं ऐसे मत बोलो। सुकन्या की जो भी हालत हुई हो उसका जिम्मेदार मैं हूं, सिर्फ मैं हूं। भगवान इसके लिए मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। बांसुरी सुकन्या को बहुत पसंद थी, इसलिए उसकी याद आई तो मैं अब तो सिर्फ यादों पर ही जीना है गोपी, सिर्फ यादों पर ही। महालसपति, मालिक का बनाया हुआ ये इंसान भी बड़ा विचित्र है। जो उसके साथ होता है उसके साथ वो अनुचित व्यवहार करता है, उसे सुख देने के बजाय उसे दुख देता है। महालसपति दुख देता है, सहारा देने की बजाय उसे बेसहारा कर देता है, उसके आंसू पोंछने की बजाय उसे रुलाता है, प्यार देने की बजाय उससे नफरत करता है, और जब वो साथी आंखों से ओझल हो जाता है तब ये इंसान बेचैन हो जाता है, उसे ढूंढने की कोशिश करता है, अपने किए पर उसे पछतावा होता है, वो आक्रोश करता है, परंतु उसका आक्रोश सुनने के लिए कोई नहीं होता। महासभापति, महासभापति, अपनी गलती का एहसास होने के बाद इंसान आंसू बहाता है, परंतु उसके आंसू किसी को सच्चे नहीं लगते। ऐसे इंसान पर कोई विश्वास करने को तैयार तक नहीं होता, वो अपनी खुशियों को खुद ही आग लगा देता है। क्यों ऐसा व्यवहार करता है महासभापति, क्यों क्यों अपनों को पराया बना देता है वो। साईनाथ, ये सब इंसान को कैसे समझाया जाए? उसे समझाने की जरूरत ही क्या है महासभापति, कई मिसालें हैं इंसान के सामने जिससे वो सीख ले सकता है। ये दिया देखो, दिया, इसमें जब तक तेल है ये दिया जलता रहेगा, तेल खत्म होने के बाद ये दिया बुझ जाएगा, लेकिन मैंने इसमें तेल डाल दिया है महासभापति, तो ये दिया बुझेगा नहीं, ये निरंतर चलता रहेगा, चलता रहेगा। इंसान को भी इस दीप से सीख लेना चाहिए महासभापति, इस दीप को अपना आदर्श बनाकर अपने सामने रखना चाहिए, इस दीप को यानी तेल, तेल रूपी जीवन, यानी इसे प्यार देते रहना चाहिए। परंतु इंसान इंसान होकर इंसान से ही नफरत करता है, इंसानियत भूल जाता है और
हैवानियत पर उतर आता है। बाद में पछताता है। प्यार से इंसान दूसरे को जीत सकता है, ये वो कब समझेगा महासपति, वो कब समझेगा सबका मालिक। कहाँ जा रहे हो दोस्त? दोस्त? हाँ उमाकांत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसीलिए तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोचता हूँ। मेरी भलाई? देखो दोस्त, आज तक न सुकन्या लौटी है न उसके बारे में कोई खबर है। इसका मतलब है सुकन्या अब जिंदा नहीं है दोस्त। रास्ता छोड़ो और जाने दो मुझे। मैं तुम्हें लेने आया हूं दोस्त, तुम्हारे लिए मैं रिश्ता लेकर आया हूं। शादी करके अपना घर बसा लो और भूल जाओ सुकन्या को। एक विधवा का जाप करके क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो दोस्त? ना। उस दिन तुमने मुझे मारा था, उसका हिसाब चुका दिया है मैंने। आज तुमने मेरे प्यार का अपमान किया है, इसलिए जाओ और एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सुकन्या से और किसी से नहीं। अरे सुकन्या के लिए एक जन्म तो क्या, मैं 7 जन्म तक उसका इंतजार कर सकता हूं। लगता है तुम्हें तुम्हारे इस जन्म से नफरत हो गई है उमाकांत। उमाकांत को पहचाना ही नहीं। वो तो हीरा है, हीरा, और मैं उसे कांच समझता रहा। वो मेरी सुकन्या को फूल की तरह रखता, लेकिन मैंने उनकी शादी से इनकार कर दिया। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं अपनी बेटी को सुखी जीवन नहीं दे सका। मैंने उनकी जिंदगी बर्बाद की है, मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी बेटा। पंचायत इसलिए बुलाई गई कि काका जी का न्याय किया जाए। न्याय क्या करना है, अपराध स्पष्ट है। काका जी अपनी विधवा बेटी की शादी करना चाहते हैं। लेकिन सुकन्या गांव से चली गई है तो फिर उस विषय को लेकर हंगामा क्यों किया जा रहा है? काका जी आपको कुछ कहना है? पंचायत कोई फैसला करने से पहले आपको सुनना चाहेगी। सुकन्या मेरी बेटी है, उसी तरह इस गांव की बेटी भी है। क्या गांव का सुकन्या के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? क्या विधवा सुकन्या को जीने का सुख पाने का कोई हक नहीं है? क्या यह गांव सुकन्या का घर फिर से नहीं बसा सकता? काका जी सबको बहका रहे हैं,
एक विधवा की शादी नहीं होगी। नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। हम गांव की परंपरा को नहीं तोड़ने देंगे। परंपरा कौन बनाता है? सरपंच जी, जैसे जैसे वक्त बदलता है परंपरा बदल देनी चाहिए। गांव वालों का यही व्यवहार देखकर मेरी बेटी सुकन्या घर छोड़कर चली गई है। वो घर बसाना चाहती थी और उसका बदनसीब पिता गांव वालों का साथ देते हुए उसके खिलाफ हो गया। उसका घर बसाने की जगह उसे बेघर कर दिया। इन मगरमच्छ के आंसू पर मत जाइए सरपंच जी। मैं अपनी बेटी का साथ दूंगा, जब वो लौट कर आएगी तो मैं उसकी शादी कर दूंगा। सुन लिया सरपंच जी, काका जी पूरे गांव को चुनौती दे रहे हैं। मैं किसी को चुनौती नहीं दे रहा हूं, सिर्फ मैं अपनी बेटी का भला चाहता हूं। सरपंच जी, आप जो भी फैसला लेंगे मुझे स्वीकार होगा। एक ही विनती है, फैसला लेते समय ये मत भूलिए कि आप भी बेटी के पिता हैं। आप भी अपनी बेटी से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि मैं करता हूं। धन्यवाद। चुप बैठ गए, सभी चुप बैठ गए। कौन चुप बैठे हैं बाबा? परंपरा के रखवाले, वक्त के साथ ना चलने वाले। चुप बैठ गए। मालिक भी अचानक अपना करिश्मा दिखाता है और यकायक सामने सच का तेज देखकर सबकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। सभी डर गए। सच्चाई का सामना करने से अब सभी समझ गए हैं कि सूरज पर थूकेंगे तो थूक उन पर ही गिरेगा। अगर हम किसी पर एक उंगली उठाएंगे तो बाकी चार हाथ की उंगलियां हम पर ही उठेंगी। सभी चुप बैठ गए महालसापति। सभी महालसापति, दूसरों को तकलीफ देना आसान है लेकिन खुद को तकलीफ देने की संभावना दिखाई देती है तब तकलीफ शब्द का मतलब समझ में आता है।